नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग और एक जगह देखेंगे जो बहुत ही फेमस टेंपल है, जो जिसका नाम है हिंगुला टेंपल, माँ हिंगुला पीठा गोपाल प्रसाद तालचेर इसका जगह है, जगह का नाम है। तो हम लोग चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस टेंपल का। क्या आप देख पा रहे हैं, ये रही टेंपल की एंट्री। और एक टाइम होता है जिसमें ये बोथ दरवाजे खुल जाते हैं, बट अभी लोग कम होने के कारण बहुत ही मतलब एक ही एंट्री और एग्ज़िट एक ही है। तो ये साइड में हमारे हैं दुकान सब, जहाँ पे आप सब ले सकते हैं पूजा सामग्री, और टेंपल बड़े ही दूर है। तो दोस्तों, इस जगह का बहुत ही प्रसिद्ध है ये जगह, जहाँ पे मतलब ये शायद करीबन करीबन रेनी सीजन टाइम में या फिर विंटर के आसपास यहाँ पे पूजा होता है, बहुत ही फेमस पूजा होता है। यहाँ बोलते हैं देवी जो हैं वो मंदिर के पीछे तरफ या कहीं पे भी एक्चुअली आग बन के मतलब निकलते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये। हम लोग एंट्री कर रहे हैं आसपास। आज भी बहुत सारे नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूजा करने आए हैं। और टेंपल देखिए दोस्तों, खूबसूरत सा टेंपल है और कितना विशाल है, देखिए कितना बड़ा। और ये मंदिर के सराउंडिंग है, यहाँ पे पीने का पानी लोगों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, और शायद इस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इधर भी एक एंट्री है, सामने से भी एक एंट्री है। तो ये हमारे आगे स्टेट चढ़ जाते हैं मंदिर के तरफ। और मंदिर देखेंगे तो दोस्तों इस तरफ से बहुत ही विशाल लग रहा है, बहुत ही बड़ा मंदिर। चलिए अब माता का दर्शन किया जाए। हे माँ हिंगुला। तो यहाँ पे लोग आके मन्नत मांगते हैं, और जो बोलते हैं धागा या फिर कपड़ा बांध के जाते हैं सब। और ये हो गया दिया। हे माँ, जय माँ हिंगुला। समस्तर मंगल कर, समस्त मंगल कर। ये मंदिर की ऊंचाई कंस्ट्रक्शन में ओवर है, शायद मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, पहले यहाँ पे मंदिर नहीं था, शायद छोटा मोटा से शराइन था, अभी टोटल बड़ा सा मंदिर कंस्ट्रक्ट हो गया है अंदर।
है माँ मंगला। तो एक नज़र आपको चारों तरफ दिखा दूँ इस टेंपल का, तो आजकल भी बहुत ही आजकल भी मंदिर जब बनता है दोस्तों, इतने कौशल कारीगर हैं जो कि बहुत सारे आकृतियाँ बनाते हैं। जैसे ये सब कोणार्क का एक सिंबल लाइज करता है, कोणार्क टेंपल का ये जो चक्र है, और ये देखिए मतलब काम तो हो गया है टेंपल का, लेकिन इसका जो कलरिंग पलिंग बोलते हैं ये सब शायद हुआ नहीं है। और इसके लेफ्ट तरफ देखिए एक बड़ा सा पॉन्ड है, और इसी आसपास जब माता का आविर्भाव होने का टाइम होता है तो इसी आसपास मंदिर के चारों तरफ या कहीं माता आग बन के मतलब एक बोलते हैं ज्वाला बन के आते हैं। इधर सब गेट सब है, गेट नंबर 4 है ये, तो शायद इसके बाउंड सब तरफ डेवलप नहीं किया गया है। मंदिर तो बना दिए हैं लेकिन टोटल वर्क काम फिनिशिंग काम हुआ नहीं है अभी तक। तो बहुत ही सुंदर है ये सब। जो काम किया गया है मतलब देखिए माँ का, हमारे उड़िया में लिखा गया है माँ, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा गया है माँ उड़िया में। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो अभी मंदिर बन के रेडी हुआ है, मंदिर बहुत ही बड़ा है। ये आ गए हमारे मंदिर के कारुकाज। तो शायद ये सब लोग अपना मानसिक करके जाते हैं। तो ये है दोस्तों लोगों का रखा गया जो कोई भी विश होता है उसकी पूर्ति के लिए शायद लोग यहाँ पे ये घोड़े रख के जाते हैं, मिट्टी का बना हुआ घोड़ा जिसमें आप ये धागा बांधा हुआ देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे हैं मंदिर के आसपास, और मंदिर बहुत मंदिर का काम देखते हैं, एक सुंदर सा काम है। तो मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर मंदिर हमारा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही, आपको ये माँ हिंगुला जी का मंदिर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और जाते जाते आपको दिखा दूँ ये बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते बैठे हो मैं हैं।